21 नवंबर यानी आज हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना हुआ है। राजधानी शिमला सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए आग का सहारा भी लेना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कुछ जिलों की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि बीते कल से जिला ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। आज कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी व प्रदेश के मध्यवर्ती स्थानों पर कुछ जगह बारिश की संभावना है। इससे दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट आई है। 2 दिसंबर से पूरे राज्य में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कल्पा में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री जबकि शिमला का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फोरकास्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश रिपोर्ट की गई है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट ऊना है, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला में भी हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है डिस्ट्रिक्ट में। अमाउंट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊना में रिपोर्ट की गई बारिश 22 mm, उसके बाद कांगड़ा में है, घमरूर में 9.4 mm बारिश। तो देखिए पिछले 24 घंटों में एक मतलब जो WD का इफेक्ट है, इसके चलते प्रदेश के बहुत स्थानों में अभी मौसम ख़राब बना हुआ है। और इसके चलते आज प्रदेश के जो हाई रिचेज डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे चंबा, कुल्लू है, फिर शिमला के हाई रिचेज हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर है, यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और जो कांगड़ा है, फिर शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें, देखिए पिछले 24 घंटों में तो तापमान सामान्य रहा है, परंतु जो एक्टिविटी आज अर्ली मॉर्निंग से शुरू हुई पूरे प्रदेश में, इसके चलते जो डे टेम्परेचर हैं वो एवरेज प्रदेश में 4 से 6 डिग्री मतलब गिरावट दर्ज होने की संभावना है। और अभी भी जो तापमान है मतलब पिछले 24 घंटे कंपेरिजन में 4 से 6 डिग्री कम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में ही। और ये जो एक्टिविटी है ये आज 30 तारीख को पूरे मतलब अधिकांश स्थानों पर रहेगी, फिर कल 1 तारीख से जो ये एक्टिविटी है इसमें कमी आने की संभावना है, और फिर 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों का जो न्यूनतम तापमान है वो कल्पा में रिकॉर्ड किया गया 0.8 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो शिमला में जो न्यूनतम तापमान है 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें तो देखिए ऐसा जैसे ये जैसे कल से जैसे मौसम साफ होगा 1 तारीख से, कल मतलब 1-2 स्थानों में ही जो हाई रिचेज की डिस्ट्रिक्ट है और जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। फिर जैसे ही 2 तारीख से मौसम खुलेगा पूरे प्रदेश में, तो इसके चलते जो न्यूनतम तापमान है, जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर है, इनमें गिरावट दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।